मैं रोके पढ़ाऊ इन्हें, ये रोके पढ़ाऊ, ये डॉक्टर है बहुत तगड़े वाले, इंजेक्शन देते हैं मेरे लंबे लंबे। लेकिन कहना मुकम्मल मतलब सुनो आप, तेरी बाली उम्र 16 साल, जवानी अनीश भाई, एक एक शेर का भी चल रहा है, समझ रहे हो, सुन रहे हो तुम, ध्यान से सुनो। ये वो मुकाबला चल रहा है आपके ननाखेड़ा में कि एक इस नेट के अगर 2 लाख रुपए भी आप खर्च करते कव्वालों पे तो मजा नहीं आता। अनीस भाई गलत कह रहा हूं है? क्योंकि कुछ कव्वाल, हाँ अब क्या कहूं, लेकिन बाल हिलाकर काम कर जाते हैं खाली, लेकिन यहां बाल नहीं हिलते, माल हिलता है। हाँ भाई सेवा जी, गलत कह रहा हूं क्या है? बिल्कुल सही। हाँ ये है मेरे देसी घी। हाँ बोल डालडा। ये ऐसे समझ लो मेरे भैया की जान है ये। किसकी जान है? मेरे भैया की। कौन कौन? तुम्हारी अम्मा। मेरी अम्मा तो है फिलहाल अभी कह रहे थे, ये कह रहा हूं कि अब्बा कर रहा हूं, मेरे अब्बा, मेरे अब्बा इनकी अम्मा को लेके घूमते होंगे, लेकिन इनके अब्बा का तो पता नहीं, मेरे अब्बा तो कब्र में है बेचारे, इनकी अम्मा को लिए वहीं पड़े हुए हैं भाई। कब्र में तो हमें भी जाना होगा, तुम्हें भी जाना होगा, यहाँ ना रहोगी, कौए खा के आई हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह, मौत तो बरहक है, सभी को आनी है, मौत का नाम गली नहीं है, लेकिन बददुआ मैं शेर दे रहा हूं। हो ना जाऊं मैं पागल कहीं, हसीनों के जेल जा नहीं सकते, और हम पढ़े लिखे लोग घास खा नहीं सकते, प्यार में इन हसीनों के जेल जा नहीं सकते, और इसकी झूठी बातों में हम आ नहीं सकते। और जब से कोरोना वायरस लेकिन महंगाई का दौर है, जब से कोरोना वायरस आया है इसकी पार्टी में, सामने है रसगुल्ला फिर भी खा नहीं सकते, लेकिन अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो। देखो ये भैया ने 100 रुपए दिए भाई, सारी रात में अब आयो नजर। समझ रहा हूँ, भाभी से पिटवाऊंगा तुम्हें भी। मेराज भाई मोहम्मद सिराज भाई, ठेकेदार हरिद्वार पहलवान साहब के लड़के, हाँ उनकी जानिब से और तुम्हारी जानिब से क्या है? अच्छा बाद में दोगे, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ देना और जेबा जी को पीछे देना, ठीक है जाइए लो। मेराज भाई जी, हाँ हाँ ये हमारे अतीक भाई हरिद्वार, उनकी जानिब से 100 रुपए इनायत हुए हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेराज भाई दिलबर भाई ने अभी जो कहा उसमें महंगाई का मामला है, है? अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, जा पर रखा है चुस्की पी। सुनो अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100। क्या कह दिया तुमने? किसकी? ये कोरोना में महंगाई चल रही है ना, इस पे इन्होंने फिट किया। ये कोई बात नहीं है, ये हाथ के दस्तकार की आवाज खत्म हो चुकी। बड़ा एक बेटा, अगर हम हाथ के दस्तकार, हमारा हाथ बेकार हो जाएगा, तुम्हारा हाथ चल काम चला लेंगे। अच्छा तो हाँ तो आ जाइयो, क्या अगर ठोर मर कर ना जाओ तो हमने जा लिए, हम तुम्हारे हाथ से चला लेंगे। सुनो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाँ डीजल 90 पेट्रोल 100 सो, और 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। ये जाहिद ठेकेदार फरीदाबाद, उनकी जानिब से 200 रुपए इनायत हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब एक मिनट,
अभी ये भाई हमारे कह रहे थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, लेकिन इनकी ये बात है जाहिद भाई, इनकी बात का जवाब। एक दो दस, एक दो दस तीतर की तोड़ी नस, एक दो दस तीतर की तोड़ी नस, बगले का तोड़ा ताड़ा तू गिल्ले पूरे बारह, बारह बजे है बारह, पेटी पिटार खोला, पेटी पिटार में रस्सी तू गिल्ले पूरे रस्सी। ये क्या कह दिया, पी लो लस्सी, तुम मत बोलो, तुम मैं ना बोल रहा हूँ भैया, बेटा पिला के कहीं क्या लस्सी कह रहा हूँ, तू गिल्ले बोलो ही मत, बेटा पिला के छोड़ूंगा तुम्हें लस्सी, तू गिल्ले पूरे अस्सी, अच्छा अस्सी में लगा धागा, चोर निकल के भागा, रानी बैठी छोटी सी, फूलक माला पहने थी, आलू आया भीतर तुम्हारे गया तो बोला थम। बेटा तुमसे, बेटा तुमसे, तुमसे अच्छे है, पूछो क्यों, क्योंकि हम अहले सर पे हैं, खाते हैं कमाई हलाल की। वाह भाई वाह, वाह वाह मर्द वाह वाह, हम अहले सर पे हैं, खाते हैं कमाई हलाल की। वाह बेटे भाजियों, नाजायज अगर हो तो मलाई नहीं खाते, तुम तो चुस्की भरोगे, खुदा का शुक्र है रखते हैं बाजियों पे भरोसा, तुम्हारी तरह औरतों की कमाई नहीं खाते। कह रहे हैं कि हम मर्द हैं, ये मर्द देखियो भाई, कसम खा के बताओ तुम, इनकी सूरत देखो जैसे कोई मरे नहीं होते तो तुमसे क्यों काम चलाते हो। अब मेरी सुन तो लो, लड़के हो रहे यार बड़े भाई, मैं लड़ता ही नहीं हूँ भाई, कैलेंडो डर भी कैलेंडो, इनकी सूरत देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल हाँ, एक तो इतने काले ऊपर से मूछे नहीं तो लग रहा है, अरे हम तीसरी नस्ल वाले दुनिया से निराले, कैसा घोटाला कर दिया, अभी काला कह रहे थे कि मुझे, ए गोरे तूने कैसा घोटाला कर दिया, सारी चबानी चूस ली तूने तो काला कर दिया। मर गया। और सुनो भैया, रुको अभी सुन लो, अब तुम मत बोलो, जरा इनकी होने दो, जो मैं उनका कुछ नहीं कह रहा हूँ, बोलने दो जरा, तो क्यों तुम्हारी क्या हो गई, तुम्हारी आवाज बंद हो गई क्या, मेरी आवाज क्यों बंद होती, मैं तो तुम्हारी तक खोल दूंगी, हथियार इतना लंबा है तुम्हारी तक घाटी खोल दूंगी मैं, अरे है साकड़ी बताइए मेरा हथियार, कह रही है इनका हथियार इतना लंबा है, लेकिन लेकिन बाजो वाले की शान में अभी ये कुछ कह रहे थे कि कुछ काले काले क्यों, काले के मुखड़ा चांद का टुकड़ा टुकड़ा मुखड़ा, ए लड्डन ओ टिपली मुंज, मुखड़ा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, इस बाजे वाले ने पूरा जोर लगा लिया, मेरा एक बाल भी ना उखड़ा, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं और तुझे आगरे भेजना चाहता हूं, यूं तो मारी है हजारों की, मैंने सिर्फ तेरी देखना चाहता हूं, लेकिन एक रोज एक रोज, अभी इनकी बात का जवाब सुन लो पहले, तार बाबू तार बाबू तार नहीं छूटा, इन्होंने कही मैंने इसकी मारी, इस तरीके से बोला ना जी, लेकिन तार बाबू तार नहीं छूटा, भाई साहब मैं हाथ जोड़ कर आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरी बात का इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, तार बाबू तार नहीं छूटा, छप्पर नीचे लचा के मैंने इसकी मारी, इसका दाग नहीं छूटा, बोला बेटा सांस लाएगी, मैं इनकी बात का जवाब दिया भाई मैंने, थोर मर जाओगे बेटा, लेकिन कोई तो अच्छा काम कर गया होता, शेष हाँ। अच्छा कोई तो अच्छा काम कर गया होता, बड़ा अच्छा शेर कह रहा हूं कसम से लेकिन आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, छोटे भाई रुको, मैं शेर क्या कह रहे हैं भाई जान, क्या कह रहे हैं चाचा, मैं उन्हीं के लिए सुना रहे हूं, तुमने कह दिया अब ये कहेंगे, अच्छा तुमने तो कह तो दिया यार, कहो फिर जवाब देंगे हम, तो फिर जब वो कहेंगे तो हम फिर जवाब देंगे, हम कोई हाँ, थोड़ी तारे में, तारे में, अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारे गलत बात नहीं होगी भाई, अबरार भाई हम कोई बौरे थोड़ी है, छोटे भाई जी भाई तुम भाई चचा भतीजों की बातें हैं ना, वो हमारे भाई हैं, हमारे चचा तुम्हारे भाई हैं, भैया हमारे भाई, चचा बता रहे हैं यार ये तुम्हारे चचा, तो कोई बात ना, ये दाई ठेकेदार फरीद, एक शेर कर दो यार अबरार भाई का, एक शेर, लेकिन अरे हां कोई तो अच्छा काम कर गया होता, जब ये बाजा बजा के घर पहुंचे, माँ को पैसे दिए, माँ बोली अरे बेटा बहुत पैसे लाए हो कमा के, हाँ। क्या काम करते हो, बोले कुछ नहीं औरत के साथ बाजा बजाते हैं, हाँ, गलत कोई बात ना हो, तो जब गलत बात नहीं होगी, माँ बोली अरे बेटा औरत के साथ बाजा बजाते हो, इन्हें भी समझाओ बहुत गलत बात है, तो माँ कहती है
कि कोई तो अच्छा काम कर गया होता और किसी अच्छी राह से गुजर गया होता। और माँ ने जब से सुना कि औरत के साथ बजाता है बाजा, माँ बोली गधे पैदा होते ही क्यों ना मर गया होता। ये बात जो बात इन्होंने बोली इनकी समझ में आई या नहीं ये बताओ भाई, किसी की समझ में आई किसी की नहीं? सबकी समझ में आई, समझदार लोग। लेकिन एक रोज ट्रेन में बड़ी भीड़ भाड़ थी। क्या बात है। एक रोज ट्रेन में बड़ी भीड़ भाड़ थी, औरत पे मर्द, मर्द पे औरत सवार थी। ठीक है भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के गुस्ताखी की माफी चाह रहा हूँ, जैसा ये बोलेंगे वैसा जवाब दूंगा मैं।